एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के लेक्चर हुए थे, वहां पर हमने एक बहुत बड़ा एम्पायर डिस्कस किया था हमारे इंडियन हिस्ट्री का, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि किस तरह से नंद वंश जो था, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को डिफीट करके, उनको सक्सीड करके मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसके हेल्प से, तो चाणक्य ने मदद किया था, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे तक्षशिला के। इसके बाद हम देखते हैं इनके पुत्र हुए अगले रूलर, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, और थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अशोका द ग्रेट किंग। तो आज हम अशोका के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से वो रूलर बने थे, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनकी पॉलिसी, और एक इम्पॉर्टेंट वॉर जिन्होंने अशोका के एक तरह से बोल सकते हैं पूरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, कलिंगा वॉर। तो कलिंगा वॉर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले मौर्यन एम्पायर के पार्ट टू में बेसिकली अशोका, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थ्री, वहाँ पर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं, जल्दी से एक बार चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियो को शेयर करा करिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एम्बाइब का प्रोडक्ट या एम्बाइब का ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसा कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन तभी कंप्लीट होगी जब आप कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों को पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो हम हमारी क्लास से देख लेते हैं, उसके बाद से अपने आप को जांचने के लिए आपको प्रोडक्ट पर जाना है। डिफेंस कैटेगरी में एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करना है, तो ये आपका होमवर्क है। तो इस प्रोडक्ट पर विजिट करना ही केवल काम नहीं है, उसको यूज़ करना है, और जब आप ये एक हर्डल बीच का अपना तोड़ देंगे, उस दिन समझ जाना कि आप सिलेक्शन के पास आ चुके हैं। बाकी हमारा एम्बाइब का ऐप है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। इस ऐप के थ्रू आपको हमारे सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, तो क्योंकि क्लास में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना सब पूरा कॉपी करना, नोट करना डिफिकल्ट है, तो आप कोशिश करा करिए क्लास में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं क्लास के साथ, और बाद में इस लिंक पर आपको मिल जाएगा हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड करें, वहीं से रिविज़न करें, और दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। उत्कर्ष जी, अनुज जी जुड़ चुके हैं, तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले अशोका द ग्रेट किंग। काफ़ी बार आपने इनसे रिलेटेड टीवी सीरियल्स या फिर मूवी देखे होंगे ना, तो वो तो थोड़ा सा हम एंटरटेनिंग फैक्टर भी हम उसमें डालते हैं ताकि आपको एंटरटेनमेंट हो। फिलहाल आज हम एक्चुअली इनके लाइफ के बारे में जानने वाले हैं, किस तरह से ये क्राउन अपने नाम करते हैं, किस तरह से ये राजा बनते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर का एक्सपांशन कितने बड़े लेवल पर होता है। तो जो मौर्यन एम्पायर नंदों को मिला था, बेसिकली वो केवल इतना ही था। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्यन एम्पायर का एक्सपांशन किया, और वो कहाँ तक पहुँचा दिया, हिंदू कुश माउंटेन रेंज तक। और जब अशोका रूलर बनता है, इसने इसका सदन एक्सपांशन किया, और आप देख सकते हो अगर हम अशोका के टाइम पीरियड की बात करें, तो आप अगर इनमें से ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट छोड़ दें, और ये जो सुदूर दक्षिण का हिस्सा है केरला वाला, इसको छोड़ दें, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अशोक ने कंट्रोल कर लिया था। मौर्यन एम्पायर हमें दिखाई देता, और इतना बड़ा एम्पायर आपको आगे देखने नहीं मिलेगा। तो आगे हमें और भी बहुत सारे रूलर्स दिखाई देंगे, चाहे गुप्ता डायनेस्टी के हो गए, चाहे मुगल्स आएंगे, हालांकि औरंगजेब के टाइम में कुछ कुछ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिखता है, फिर भी इतना बड़ा एम्पायर कोई नहीं बना पाता है जितना अशोक बनाकर गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोका द ग्रेट किंग। सबसे पहले हम इनके रीन पर बात करते हैं, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 273 BC से 232 BC, यानी ये इनका रीन था जब ये राजा के रूप में अपना कार्यकाल संभालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये जो डेट्स है ना, कब से क्लियर हुई थी, जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, तो ये जो अलेक्जेंडर, जो यूनानी लोग हुआ करते थे, बेसिकली इनको डेट्स की अच्छी नॉलेज थी, और उसके बाद से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई। तो मौर्यन एम्पायर से जितनी भी हम डेट्स देखते हैं, वहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है, बेसिकली मानकर चला जाता है कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अर्ली लाइफ, यानी अशोक का हम प्रारंभिक जीवन जानते हैं। सन ऑफ मौर्यन एम्परर बिंदुसार,
जो बिंदुसार थे उनके पुत्र थे, इनका नाम था अशोका। His other name were, इनको अलग नामों से भी जाना जाता था। तो जो संस्कृत वर्ड है उससे इनका नाम एक और दिखाई देता है हमें, जिसको बोला जाता था देव नाम प्रिया। बेसिकली देव नाम प्रिया का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो संस्कृत टेक्स्ट में इसका मीनिंग बताया है बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी देवताओं का प्रिय। तो अशोका ने खुद को ये नाम दिया था देव नाम प्रिय, और वो खुद को बताते थे कि किस तरह से मैं देवताओं का प्रिय हूँ, ना केवल प्रिय बल्कि उनका दूत हूँ, उनको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इस तरीके से। एंड पियदस्ती, एक और नाम था पियदस्ती। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है देव नाम प्रिय या फिर पियदस्ती नाम किसके लिए यूज किया जाता था, तो अशोका द ग्रेट किंग के लिए ये नाम यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वॉज सो क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। अब देखो जो मौर्यन एम्पायर है ना, बेसिकली इसके बारे में हमें काफी सारी जानकारी किससे मिलती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह से मिलती है। अब इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो अशोका था वो खुद आगे चल के बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन जाते हैं, ना केवल फॉलोअर बनते हैं बल्कि बौद्ध रिलीजन का एक्सपांशन करते हैं, दूसरे देशों में विदेशों में उसका फैलाव करते हैं। तो क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोन किया था, उसका संरक्षण दिया था, तो इस वजह से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में काफी जगह पर अशोक का जिक्र किया है, इन पर पूरी की पूरी किताबें लिख गई हैं। और ऐसे ही जब हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी किया तो हमें पता लगा, उसमें बताया गया है कि इन हिज अर्ली लाइफ यानी प्रारंभिक जीवन में अशोक बहुत निर्दयी थे, और इतने निर्दयी थे कि इनके पिता के बाद गद्दी पर बैठने के लिए इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। तो सौतेले वगैरह पहले कई सारी शादियां होती थी, तो इस तरह की एक स्टोरी है जिसमें बोला गया कि इन्होंने 99 ब्रदर्स को किल करके फिर जाके इस पद को, इस गद्दी को संभाला था। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितना सही है नहीं सही है इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें कोई उनके अवशेष तो मिले नहीं है 99 भाइयों के। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू बांग्लादेश इन द ईस्ट। जैसे ही अशोका रूल करने लगते हैं, इन्होंने अपना एम्पायर कितना ज्यादा एक्सपांड कर लिया था, तो हमें दिखाई देता है कि इन्होंने अपना रूल कहाँ तक फैला लिया था बच्चों, अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनिशियल स्टेज में ही ये काफ़ी सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते हैं और काफ़ी कम समय में ही इनके द्वारा अपना जो टेरिटोरियल एक्सपांशन था वो चालू किया गया। कहाँ तक फैल गया था, इधर देखेंगे आप वेस्ट में अफगानिस्तान तक, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो कहाँ तक दिखाई देता है, वेस्ट बंगाल तक, या फिर बांग्लादेश आप बोल सकते हैं, पूरा बांग्लादेश इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उस समय उसका बांग्लादेश नाम नहीं था बेसिकली। तो ईस्ट में बांग्लादेश से आज के वेस्ट के अफगानिस्तान तक इतना बड़ा इन्होंने अपना एम्पायर बना लिया था अपने अर्ली लाइफ स्टेज में। इट कवर्ड ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट प्रेजेंट केरला एंड तमिलनाडु एंड मॉडर्न डे श्रीलंका। बोल रहा है कि अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको पता लगता है कि इन्होंने पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लिया था। केवल कौन से पार्ट इनके कंट्रोल में नहीं थे, तो आज का जो सदर्न मोस्ट इंडिया वाला पार्ट है ना, जिसमें आप देखते हैं केरल है, तमिलनाडु है, और सिलोन जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। तो आज की श्रीलंका, केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी इनके पहुंच से बाहर होता है, तो ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर क्या था, इनका कंट्रोल था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। अशोका बिल्ट मैनी एडिक्ट ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इन प्रेजेंट डे नेपाल एंड पाकिस्तान। जैसे ही ये रूल करने लगते हैं, आगे आपको इनकी स्टोरी पता लगती है जब, तो इनके द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे। बेसिकली अशोका के एम्पायर के बारे में एक जो हमें इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है वो इनके रॉक एडिक्ट या रॉक इंस्क्रिप्शन भी थे। बेसिकली क्या था, जब अशोका रूल करने लगता है तो ये बड़े बड़े पत्थरों पर जो राजा के आदेश होते हैं ना, वो पत्थरों पर ऐसे गुदवा के और जहाँ जहाँ मन करता था वहाँ पर लगवाते थे। उसमें आदेश भी होते थे, उसमें बहुत सारे रूल्स भी लिखे होते थे और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट अशोका ने अलग अलग देश के हिस्से में भिजवाए, लगवाए। और जब हमने उन रॉक एडिक्ट को स्टडी किया तो हमें पता लगा, भाई मैं
किसी क्षेत्र में, किसी दूसरे एम्परर के क्षेत्र में जाकर तो ऐसा कुछ नहीं लगवा सकती ना। तो इससे हमें पता लगा जहां जहां पर इनके रॉक इंस्क्रिप्शन है वहां वहां तक अशोक के एम्पायर का एक्सपांशन था, यानी हमें अशोका एम्पायर का जो पूरा का पूरा विस्तार है वो भी पता लगता है इन रॉक इंस्क्रिप्शन से। और स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि आज का जो आप नेपाल देखते हैं और आज का जो आप पाकिस्तान देखते हैं, यहाँ तक भी हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र पटना एंड हैड प्रोविंशियल कैपिटल्स एट तक्षशिला एंड उज्जैन। जैसे आज आप देखते हैं हमने अपने पूरे के पूरे देश को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके अपने देश का। ओके, अगर केवल देश एक रहेगा और एक ही सेंटर की अथॉरिटी रहेगी तो वो ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगी 1.25 अरब या 1.5 अरब आबादी के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में हमने अपने पूरे के पूरे सेंटर को अलग अलग स्टेट्स में तोड़ा है। ओके, सेंटर का कैपिटल अलग है, स्टेट के कैपिटल्स अलग है। तो यहाँ पर यही बता रहा है क्योंकि अशोक का एम्पायर इतना बड़ा था आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसने अपने एम्पायर को स्टेट्स में डिवाइड किया था और उस समय स्टेट को क्या कहा जाता था? प्रोविंस कहा जाता था। तो यहाँ पर बोल रहा है हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, बेसिकली अशोका के एम्पायर का जो कैपिटल था वो तो हमें कहाँ दिखाई देता है? पाटलिपुत्र में दिखाई देता है। ये पूरे इनके एम्पायर का कैपिटल था, लेकिन क्योंकि अशोक ने अपने पूरे एम्पायर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था तो दो इन्होंने अपने प्रोविंशियल कैपिटल भी बनाए थे। ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल जो दो थे वो कौन कौन सा? एक था इनका तक्षशिला और दूसरा था उज्जैन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के लिए इनका प्रोविंशियल कैपिटल था तक्षशिला में। ओके, और सदर्न रीजन के लिए जो इनका प्रोविंशियल कैपिटल था वो कहाँ था? उज्जैनी या उज्जैन में। अब प्रोविंशियल कैपिटल का क्या मतलब है? इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अब यहाँ पर कहीं किसी ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो यहाँ से पाटलिपुत्र से जब तक अशोक जाएंगे तब तक तो वो पूरा रीजन उनके हाथ से निकल चुका होगा ना, क्योंकि तब फ्लाइट नहीं थी, तब ट्रेन नहीं थी, तब घोड़े से जाया करते थे ना, तो काफ़ी लंबा समय मिल जाता था, वो भी बीच में स्टे करके जाना, डाकुओं का, डकैती का बहुत सारे खतरे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल कैपिटल था ना, ये अपने बेटे को बिठाया करते थे, राजकुमारों को बिठाते थे, और कुछ भी विद्रोह होने पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी, वो इस जोन के सारे रिवोल्ट को कंट्रोल कर लेती थी। इसी तरह अगर साउथ में कुछ भी रिवोल्ट हो रहा है तो जैनी में एक इनका बहुत बड़ा आर्मी होता था, फौज होता था, वो यहाँ के सारे रिवोल्ट को कंट्रोल कर लेता था। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था। इसी वजह से अशोक ने इतने बड़े बोल सकते हैं किंगडम पर अच्छे से रूल किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। राइज टू पावर, सत्ता में वृद्धि, यानी जो अशोक था इसकी पावर कैसे कैसे बढ़ी, तो वन बाय वन हम जानते हैं। सबसे पहले, अशोका वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार। अशोक जो बिंदुसार के पुत्र थे लेकिन ये बड़े पुत्र नहीं थे, एंड सो वॉज नॉट द हेयर प्रिजम्प्टिव। और क्योंकि ये बड़े पुत्र नहीं थे इस वजह से इनका उत्तराधिकार बनने का भी कोई चांस नहीं था। इन जनरल आप इंडिया में ये देखते होंगे, बड़ा पुत्र जो होता है उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि ये बड़े पुत्र नहीं थे तो इनके पास कोई भी ऐसी राजगद्दी आने वाली नहीं थी, और ना ही बिंदुसार चाहते थे कि ये बने, मतलब ऐसा नहीं था ये ना बने, लेकिन हाँ उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि उनका सक्सेसर कौन बनेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बिंदुसार वॉन्टेड हिज एल्डर सन सुषिमा टू बी क्राउंड द नेक्स्ट किंग। बिंदुसार चाहते थे कि जो उनका बड़ा बेटा है जिसका नाम था सुषिमा, वो राजगद्दी संभाले, लेकिन अशोका को कुछ और ही मंजूर था और ये पावरफुल भी था। कैसे इतना पावरफुल हुआ? तो यहाँ पर बता रहा है, बट अशोका वॉज ट्रेंड इन मिलिट्री एंड वेपन्स एंड शोड ग्रेट स्किल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ उज्जैन। क्योंकि ये बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार के काफी सारे और भी बेटे थे, तो बेसिकली उस समय क्या होता था, जब राजा का इतना बड़ा एम्पायर होता था वो अलग अलग अपने बेटों को जितने भी प्रोविंस होते थे उनका गवर्नर बना देता था। जैसे ये उज्जैन है, एक प्रोविंस है, तो यहाँ का गवर्नर बना के अशोक को भेज दिया, तो अशोक उस पूरे प्रोविंस का मैनेजमेंट देखता था। लेकिन ये मैनेजमेंट देखते हुए बहुत सारी अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है कि किस तरीके से प्रशासन चलाना है, ये स्किल इसके अंदर डेवलप हो जाता है। साथ ही इसने मिलिट्री और वेपन स्किल भी डेवलप कर लिए, तो भाई जो पावरफुल होगा, जिसके अंदर ये सारे स्किल्स होंगे, वो इजीली कॉन्कर भी कर लेगा,
तो भले बिंदुसार चाहते थे कि सुशीमा राजा बने, लेकिन अशोक क्योंकि ज्यादा योग्य था, इसी वजह से आगे चल के इसने सुशीमा की जगह ले ली। मतलब सुशीमा को पराजित करके, उसकी हत्या करके खुद क्या बन गया, रूलर बन गया था पाटलिपुत्र का। व्हेन ही बिकेम द किंग ही वॉज सेड टू बी बैड टेम्पर्ड, रूथलेस और वेरी क्रूअल। और जब ये राजा बना था तो ऐसा माना जाता था बहुत क्रूअल है, मतलब बहुत ही मतलब निर्दयी स्वभाव का था। सोचो अपने भाइयों की हत्या कर डाली, ऐसा लिखा है, 99 जो इनके भाई थे उनकी हत्या की, तो समझ सकते हैं आप लोग कितने क्रूअल थे। और बार बार इस चीज़ पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी आगे आपको इनकी दिखाई देगी। मतलब एक पर्सन है जो किसी को भी चलते फिरते गोली मार रहा है और एकदम से वो संत बन जाए तो आपको कैसा लगेगा, वो हमें एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है अशोका की लाइफ में। ही इवन बिल्ट अ टॉर्चर चैम्बर टू टॉर्चर हिज प्रिजनर्स टू डेथ। ऐसा कहा जाता है कि जिन भी लोगों को ये बंदी बनाते थे उनको टॉर्चर करने के लिए इन्होंने प्रॉपर टॉर्चर चैम्बर्स का क्रिएशन किया था। जैसे आपने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जर्मनी में काफ़ी सारे गैस के चैम्बर बनाए थे जहाँ पर जिंदा लोगों को रख दिया जाता था और गैस निकलती थी वहाँ से और जिंदा ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा ही कुछ हमें अशोका के टाइम में दिखाई दिया कि इन्होंने काफ़ी सारे टॉर्चर चैम्बर बना रखे थे। दिस अर्न हिम द इसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता था, मोनिकर चंड अशोका, क्रूअल अशोका। बेसिकली चंड अशोका ये नाम भी इन्हीं के लिए यूज़ किया जाता था, चंड अशोका इनके इस व्यवहार की वजह से जो ये टॉर्चर चैम्बर क्रिएट कर रहे थे। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की, इस वजह से इन्हें चंड अशोक कहा जाता था जिसका मतलब था क्रूअल नेचर वाले। ओके, तो यहाँ से आपको अशोका के दो तीन नाम मिल गए, एक देवनाम प्रिय, दूसरा पियदस्ती और चंड अशोका। उसके रीजंस भी मैंने आपको बता दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, वंस ही बिकेम द किंग ही स्टार्टेड एक्सपांडिंग हिज एम्पायर बाय कॉन्क्वेस्ट। जैसे ये राजा बनता है, राजा बनते ही इसने वापस से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चालू किया। ऑलरेडी काफ़ी सारा रीजन जो है वो इनके दादाजी इनके नाम करके गए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था, तो काफ़ी कुछ इनके पास था। लेकिन ये रुके नहीं और जैसे ये रूलर बने इन्होंने बाकी रीजन्स को देखना चालू किया और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए। इन द 9th ईयर ऑफ हिज रीन ही वेज्ड अ वॉर विद कलिंगा इन प्रेजेंट डे ओडिशा। और इनका जो सबसे फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ वो कौन सा था, वो था आपका कलिंगा का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। यानी कि आज का जो प्रेजेंट डे ओडिशा है उसे उस समय कलिंगा कहा जाता था। यहाँ के एक रूलर भी हुआ करते थे खारवेल, आपने नाम भी सुना होगा खारवेल का, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये जो कलिंगा था ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इनका बहुत फेमस हुआ। और ये कब करते हैं, तो जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ उसके 9वें साल में, इन द 9th ईयर ऑफ हिज रीन ही वेज्ड अ वॉर विद कलिंगा इन प्रेजेंट डे ओडिशा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हमें जानना है कलिंगा वॉर के बारे में, क्यों इतना फेमस है, क्यों हम इस वॉर का बार बार जिक्र करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर, कलिंग युद्ध का प्रभाव। द बैटल विद कलिंगा फॉट इन 261 BC, यानी 261 ईसा पूर्व में इन्होंने लड़ाई लड़ी कलिंगा की। वॉज पर्सनली लेड बाय अशोका एंड ही वॉज एबल टू वेंकिश द कलिंगास। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पूरी तरह से कलिंग जो रीजन था उसको बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। होल सिटीज were destroyed and more than 100,000 people were killed in the war. ऐसा कहा जाता है कि जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो लगभग लाखों की संख्या में लाश मिलते हैं, पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। और ये सारी सिचुएशन खुद अशोका ने देखा था, हालांकि कॉन्कर कर लिया था इन्होंने, जो भी बात थी इन्होंने पूरे कलिंग पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वॉर के बाद की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। The horrors of war disturbed him and so much that he decided to shun violence for the rest of his life and turn to Buddhism. और ऐसा कहा जाता है कि जब वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद से जो इन्होंने सिटी को ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोगों के खूनों से लथपथ है पूरा का पूरा शहर, उसने इनको अंदर से झकझोर और वहाँ से इनका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया और ये क्या बन गए, ये बिल्कुल ही नॉन वायलेंस टाइप के बन गए कि भाई अब मुझे हिंसा नहीं करनी, अब मुझे अहिंसा के पथ पर चलना है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अशोका की धम्म की नीति, जहां वो खुद तो हिंसा करेंगे नहीं, कोई भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि बाकी लोगों को भी सिखाएंगे कि किसी को मत मारो, ना पक्षी ना जानवर। और इसके पीछे एक और लॉजिक भी दिया जाता है, मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। वैसे कहा जाता है कि कलिंग वॉर के बाद अचानक से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने के लिए मना ही कर दी। और एक दूसरा इसका पहलू भी हमें दिखाई देता है,
क्योंकि ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पूरा अशोका ने कंट्रोल कर लिया था। और कलिंग के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन उन्होंने कलिंग को छोड़ा नहीं, उसको मिला लिया था अपने राज्य में। तो ऐसा कहा जाता है कि अब ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अशोक का कंट्रोल था, तो अशोक को और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की जरूरत नहीं थी, बल्कि जितने रीजन्स थे उनको बचाना ही उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, इतने बड़े एम्पायर को बचाना। तो कहीं ना कहीं अशोक ने ये स्ट्रेटेजी इसलिए भी यूज की कि भाई अगर वो धम्म की नीति पर चलेगा, अगर वो बात करेगा कि भाई मुझे वायलेंस नहीं करना है, मुझे अहिंसा के मार्ग पर चलना है, और यही वो अपने नेबरिंग जो भी रूलर्स हैं उनके पास में संदेश भेजता है तो वो भी इस पे अटैक नहीं करेंगे। तो अभी अशोक के लिए बड़ा टास्क मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करना नहीं, उसके लिए बड़ा टास्क था अपने एम्पायर को बचा कर रखना। तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक अशोक की स्ट्रेटेजी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अशोकास 13th रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। बेसिकली जो भी कलिंग वॉर में डैमेज हुआ था ना, उसके बारे में अशोक का जो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप रॉक इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं, देखो इसी तरीके का था, और क्योंकि ये रॉक्स पे बना था, इस तरीके से बनाया गया था गुदवाकर, तो इसकी वजह से आज तक ये बचे रह पाए हैं। और इसको डेसिफर भी कर लिया गया, पढ़ भी लिया गया है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जब इन रॉक एडिक्ट को पढ़ा गया तो उनसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और अशोक का जो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, वो काफ़ी डिटेल से बताता है कलिंगा वॉर के बारे में। ही अबेंडेंट द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, इन अदर वर्ड बेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अशोक जो है वो एक नई बात बोलेंगे, अशोक बोलेंगे कि अब मुझे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे कैसा कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है, मुझे रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट करना है। ओके, तो आप दो तरीके से किसी को अपना बना रहे हैं, अपना मीन्स या फिर उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, या तो डरा के या तो प्यार से पुचकार के। तो एग्जैक्टली अशोका ने क्या सोचा कि भाई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बंद करते हैं। और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है कि किसी पे अटैक किया, उस रीजन पर जो भी रूलर था उसको हराया और उस पर कंट्रोल कर लिया। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब है कि जो दूसरा रूलर था वहाँ पर आपने अपने कल्चर पहुँचाए, अपने विचार पहुँचाए, और उसको अपने विचारों से प्रभावित करके अपने फेवर में कर लिया, अपने में मिला लिया। तो अशोक पूरी तरह से किधर कन्वर्ट हो गए आफ्टर कलिंगा वॉर, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और आज जब भी आप देखते हैं ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पे जब हम कल्चर की बात करते हैं कि किस तरह से हम अलाइन करते हैं अपने आप को अलग अलग देशों के कल्चर से, कि भैया म्यांमार से इंडिया का कल्चर मिलता है इस देश से, तो बेसिकली वो अशोका की पॉलिसी है जो आज तक हम हमारे फॉरेन पॉलिसी में यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसी वजह से बोला गया कि अशोक ने अपना पूरा विचारधारा रिप्लेस कर लिया बेरी घोष से, बेरी घोष मतलब जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उससे किस तरफ, धम्म घोष की तरफ। धम्म घोष मतलब जो बात करते हैं अहिंसा की, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। ही नाउ बिकेम धम्म अशोका, द पायस अशोका फ्रॉम चंड अशोका। तो पहले इनका नाम क्या था, चंड अशोक। चंड अशोक क्यों, क्योंकि बहुत क्रूअल थे। अब इनका नाम बदल जाएगा और यह चंड अशोका से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, धम्म अशोका में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी धम्म की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जानवरों को मत मारो, माता पिता की इज्जत करो, ये सारी बातें इनके द्वारा की जाएंगी। अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड मोगली पुत्र तिस अ बुद्धिस्ट मॉन्क बिकेम हिज मेंटर। और कुछ ही समय बाद हमें दिखाई दिया कि अशोक ने एक नए धर्म को अपना लिया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। तो अशोका बुद्धिज्म को अपना लेंगे और इनके जो मेंटर बनते हैं, जो बौद्ध धर्म के बारे में इन्हें सारी जानकारी देते हैं, उनका नाम था मोगली पुत्र तिस। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन सी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए बौद्ध धर्म के बारे में तो आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से बौद्ध धर्म हमें दिखाई देता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी 600 BC के आसपास हमें बुद्धिज्म जो है वो उसका ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। फिर मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जी की डेथ के बाद जितने भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, जितने मॉन्क्स थे या कोई किंग होता था, वो बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराता था, बौद्ध संगति। बौद्ध संगति क्या होता था, जहाँ बौद्ध धर्म के सन्यासियों को किसी राजा के द्वारा इकट्ठा किया जाता था, बुद्धिज्म से रिलेटेड डिस्कशन होता था, आगे की क्या प्लानिंग्स है, क्या स्ट्रेटजी है, उस पर डिस्कशन होता था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखा था किसने, हर्यंक डायनेस्टी के रूलर ने कंडक्ट कराया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर ने कराया था, कालाशोका। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या तीसरी बौद्ध संगति कौन कराते हैं, अशोका द ग्रेट किंग कंडक्ट कराते हैं। कहाँ पर, अपनी कैपिटल में। और इनकी कैपिटल क्या होती है, पाटलिपुत्र जो है वो इनकी कैपिटल थी या इनकी राजधानी थी।
और यहाँ पर जब इन्होंने बौद्ध संगति कराई, हर संगति का कोई एक अध्यक्ष होता था जो खुद बौद्ध सन्यासी होता था। तो इस समय बौद्ध सन्यासी थे, उसका नाम था मोगली पुत्र तिस, जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की थी, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम किया था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना है एक चीज और, जितने भी मौर्य एम्पायर के हमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स दिखाई दिए, चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, ये किस रिलीजन के फॉलोअर थे, जैनिज्म, मैंने आपको बताया था, और ये लास्ट में कर्नाटक चले गए थे श्रवण बेलगोला, वहां पे संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। फिर हमने देखा था बिंदुसार, बिंदुसार किस रिलीजन के फॉलोअर बने थे, आजीवक, आजीवकों के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं। और आगे आ जाते हैं अशोका, अशोका किसके फॉलोअर होते हैं, बुद्धिज्म के। तो देखो एक ही मौर्यन डायनेस्टी के जो अलग अलग रूलर्स हैं, ये जैनिज्म, ये आजीवक, ये बुद्धिज्म, तो आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अशोका इवन कंडक्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 250 BC अंडर मोगली पुत्र तिस्सा प्रेसिडेंसी। तो ना केवल अशोक जो है इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराया, सॉरी ना केवल ये बौद्ध धर्म में खुद को कन्वर्ट करते हैं, बल्कि इन्होंने तीसरी बौद्ध संगति कराई, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और ये जो आपको दिखाई देना है ग्रीन कलर का, एक्चुअली ये कंपैरिजन है, बेसिकली नंदा डायनेस्टी का ये एम्पायर था, और फिर जब मौर्यन आए और मौर्यन में भी अशोक आया, तो जो डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया था अशोका ने। और ये रहा पाटलिपुत्र, जहां पर तीसरी बौद्ध संगति अशोका के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, अशोका वॉज नॉट एक्सट्रीम पैसिफिस्ट, ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस अंडर ऑल कंडीशन, दस ही रिटेन कलिंगा एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू हिज एम्पायर। बोल रहा है कि अशोका दिखाई तो देता है हमें कि बहुत पायस था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो वो कलिंगा को कॉन्कर नहीं करते, लेकिन अशोका ने कलिंगा को कॉन्कर किया, और हमें दिखाई देता है कि भले कलिंगा वो जीत चुके थे और बाद में उनका दिमाग जो है वो बदला, तो बदलने के बावजूद उन्होंने कलिंगा को छोड़ा नहीं कि चलो इसको छोड़ देते, नहीं, उन्होंने कलिंगा को कॉन्कर करके रखा। तो भाई एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरह से पायस है, पूरी तरह से धम्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सॉरी बाहर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर ऐसा है तो फिर आपने कलिंगा को छोड़ क्यों नहीं दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अशोका धम्म, ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अशोक जो है वो बेरी घोष से धम्म घोष में कन्वर्ट हो गए, अशोका की धम्म की नीति। तो बेसिकली ये धम्म का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे, और काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ओके मैं एक बार ओके उत्कर्ष जी, एटर्नल जी, द आर्मी फाइटर, मनु प्रजापति जी, गुड इवनिंग भाई, और एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्विकली करते हैं रिवाइज। सबसे पहले मैंने अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में बताया कि क्या था अशोका का अर्ली लाइफ, किस तरह से अपने भाइयों की हत्या की, उनके बड़े भाई बनने वाले थे रूलर लेकिन नहीं बनने दिया, उज्जैन के गवर्नर थे, बहुत अच्छी उनके पास में स्किल थी, मिलिट्री रिलेटेड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर स्किल, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद से पर्सनल से थोड़ा सा हम चले गए प्रोफेशनल, कि किस तरह से वो रूलर बने, और रूलर बनने के बाद उनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट वॉर लड़ा गया जिसको कलिंगा वॉर कहते हैं। कलिंगा वॉर डिस्कस किया, कलिंगा वॉर का इम्पैक्ट भी हमने डिस्कस किया, और इस इम्पैक्ट में जो हमें धम्म दिखाई देता है, बेसिकली ये धम्म क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। अशोकास धम्म, अशोका एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप, अशोका ने पितृ राजत्व के विचार की स्थापना की, मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि भाई मेल जो है वही कहीं ना कहीं आगे रूल करते हुए दिखाई देता है। ही रिगार्डेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन एंड बिलीव्ड इट इज द किंग्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दी सब्जेक्ट्स। अशोका ने एक बोल सकते हैं कि लोगों के मन में या लोगों तक ये बात पहुंचाई कि बेसिकली जो राजा है ना वो एक पिता है और जो पूरी की पूरी प्रजा है वो उसके बच्चे हैं। तो जिस तरह पिता खुद को मुश्किलों में डालकर अपने बच्चों के लिए काम करता है, इसी तरह हर एक रूलर का ये दायित्व है। और क्योंकि मैं एज अ पिता, मतलब आपके पिता की पोजीशन पर हूँ, तो मेरा दायित्व है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँ, आपको अच्छी अच्छी शिक्षा दूँ। तो ये जो पिता और बच्चे का संबंध रूलर्स और वहाँ के लोगों के बीच में एस्टैब्लिश किया था, वो किसने, अशोका ने ही। और यहीं से कहीं ना कहीं वेलफेयर वाली जो है बात सामने आती है, वेलफेयर मतलब लोगों का कल्याण करना। आज आप देखते हैं हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट
वेलफेयर पॉलिसीज लेकर आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सस्ते टिकट पर रेलवे चलाई जाती है ना, ट्रेन देखा है कितनी दूर जाना है हमें, बहुत कम पैसों में हम चले जाते हैं ना। अगर ट्रेन की सुविधा नहीं होती या पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता हमें कितनी डिफ़िकल्टी होती, या फिर आप देखते हैं गवर्नमेंट 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो दाल, ये कैसे दे रही है सब्सिडी। वेलफेयर नेशन है ना, इसलिए फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रही है। तो आपको आज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कुछ अशोक से रिलेट होते हुए दिखाई देती है, और ये जो वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट हमें आज दिखाई देता है ये अशोक पहले ही डेवलप कर चुका था पैटर्नल किंगशिप के तहत, कि भाई राजा है पिता और पूरी की पूरी प्रजा क्या है, उसके शिष्य है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। थ्रू हिज एडिक्ट ही सेड एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, ओके एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स टीचर्स एंड प्रैक्टिस अहिंसा एंड ट्रूथफुलनेस। मतलब इन्होंने अपने एडिक्ट के थ्रू ये बताया कि जितने भी लोग हैं, मतलब एडिक्ट का मैंने बताया रॉक एडिक्ट, मतलब उस समय लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। अब आज आप जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, मतलब कभी इमेजिन करिएगा उस समय पर जाइएगा, आज क्या है इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल फ़ोन है, न्यूज़ चैनल है, टीवी, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में क्विकली न्यूज़ आ जाती है, सब कुछ हम तक पहुंच पाता है। लेकिन उस समय इतना बड़ा एम्पायर और कोई ऐसी सुविधा नहीं, अब राजा को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, तो इसका बहुत बड़ा मीडियम बनाया अशोका ने अपने रॉक एडिक्ट को, और उन्हीं एडिक्ट के थ्रू अशोका ने अपनी प्रजा को कुछ संदेश दिया। अशोका ने अपनी धम्म की नीति फैलाई। धम्म क्या है? ये है धम्म। अशोका बोल रहे हैं हिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो। अशोक बोल रहे हैं अपने जो पेरेंट्स हैं आपके माता पिता उनकी सेवा करिए, अपने टीचर्स की इज्जत करिए, जैसे गुरुओं का मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, या फिर उन्होंने बोला कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, जीवों पर हिंसा मत करो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अशोका के द्वारा बोली गई और यही उनके धम्म की नीति है। अशोका धम्म में नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आस्क्ड एवरीवन टू अवॉइड एनिमल स्लॉटर एंड सेक्रीफाइस। इन्होंने ये भी बोला कि जो पशु बलि दी जाती है या फिर हत्या करके उनको खाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी नहीं करना चाहिए, जीव हत्या मत करें। और ये बात कहाँ से आई? जब बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया तो बौद्ध धर्म भी ये बोलता है कि भाई जीवों को आप मत मारिए। ही एक्सपाउंडेड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स सर्वेंट्स एंड प्रिजनर्स। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमें जानवरों के साथ में, हमें प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते हैं या नौकर होते हैं उन तक से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपके अधीन है। जानवर कुछ बोल नहीं सकता ना, कुत्ता जा रहा है एक लात मार दिया पिंपे करते हुए निकल जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको टॉर्चर ना करें, क्योंकि वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है इस वजह से। दूसरा, प्रिजनर्स जो आपका कैदी है, भले वो कैदी है लेकिन वो एज अ ह्यूमन बींग अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा है, तो आप उसके साथ भी टॉर्चर ना करें। नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आपके अधीन है, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसको टॉर्चर ना करें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने धम्म में बताई थी, यही है बेसिकली इनके धम्म की पॉलिसी। आगे बोल रहा है, ही एडवोकेटेड टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजियंस। और एक और चीज़ हमें इंटरेस्टिंग दिखाई देती है कि भले ही अशोक खुद बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन जाता है, अशोका खुद बुद्धिज्म को अपना लेता है, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छी चीज़ है कि आप बाकी रिलीजन के प्रति टॉलरेंस थे। जैसे आज हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है। एग्जैक्टली अशोक का तो खुद का धर्म था लेकिन उन्होंने फिर भी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अशोक के समय में ब्राह्मणों के साथ गलत व्यवहार या ऐसा कुछ, तो आपको ध्यान रखना है कि भले ये खुद बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे लेकिन बाकी धर्मों के साथ भी इन्होंने इक्वली बिहेव किया, यानी अपनी पूरी प्रजा को छूट दिया था। आप जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करिए, उसका प्रैक्टिस करिए, उस तरीके से आप बिहेव करिए। नेक्स्ट, हिज सॉट कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म एंड नॉट वॉर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से बेरी घोष से धम्म घोष में कन्वर्ट हुए थे, यानी इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को बंद करके किसमें जाने की बात कही थी, कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से हमें किसमें मूव कर जाना है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके उसको अपने में मत मिलाओ, विचारधारा को प्रभावित करके उसको अपना बना लो। ही अपॉइंटेड धम्म महामात्रास फॉर प्रोपागेटिंग धम्म। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये सारी चीज़ें ये केवल मौखिक रूप से बोल नहीं रहे, मौखिक रूप से मतलब जो इनके एडिक्ट थे उसके थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। ये जानते थे कि लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, लोगों के दिमाग तक बात ले जाने के लिए उनके पास में एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला व्यक्ति जाना चाहिए जो उस तक बातें सही तरीके से पहुंचा सके। तो इसके लिए इन्होंने कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की थी
जिन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, धम्म महामात्रास कहा जाता था। और ये धम्म महामात्रा अशोक के धम्म की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, अलग अलग जगह जाते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कई बार विदेश भी यात्रा करते थे और वहां जाके इस धम्म की बात को फैलाते थे और लोगों को प्रभावित करके वैचारिक रूप से अपने में मिलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अशोका सेंड मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड पांड्याज एंड टू सम स्टेट्स रूल्ड बाय ग्रीक, एंटियोकस सेकंड सीरिया, फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड इजिप्ट, एंटीगोनस मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर फर्स्ट एंड इवन टू सिलोन बर्मा साउथ ईस्ट एशिया। बोल रहा है कि अशोक जो था उसने ना केवल भारत के अपने वाले क्षेत्र में, बल्कि आपको पता है ना जो सदर्न मोस्ट रीजन था इंडिया का, जहाँ पर बात कर रहा है केरला और तमिलनाडु की, वहाँ पर अशोका का कंट्रोल नहीं था। तो वहाँ पर हमें कौन दिखाई दे रहे थे उस समय, बेसिकली चोलास पांड्यास। तो बोल रहे हैं कि उनके रीजन तक में इन्होंने अपने धम्म महामात्रों को भेजा, ना केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट बल्कि बाहर भी भेजा। बाहर कहाँ पर बोल रहा है, अब जाइए इधर साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, इधर भेजा धम्म महामात्रों को, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की। अगर हम बात करें, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया ये वाला पार्ट हो जाएगा वेस्टर्न एशिया, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर सिलोन यानी कि श्रीलंका हो गया, या फिर इसके अलावा बात कर रहा है ये बर्मा वाला जो रीजन है, बर्मा जिसे आज आप किस नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो म्यांमार, सिलोन, इन सारे रीजन पर इन्हीं धम्म महामात्रों की सहायता से अशोक ने बौद्ध रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली बार ये जो बौद्ध रिलीजन है ये हमें इंटरनेशनल लेवल पर या अन्य देशों के स्तर पर कहाँ फैलता हुआ दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार इंटरनेशनली जो बुद्धिज्म है उसका एक्सपांशन एक तो अशोका के टाइम पीरियड में हुआ था, और वो भी कहाँ पर होता है, सदर्न एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। सदर्न एशिया सिलोन हो गया सबसे पहले, इनफैक्ट श्रीलंका में ही फैला था, और साउथ ईस्ट एशिया जैसे हो गया बर्मा हो गया, मलेशिया हो गया, इन सारे रीजन में हमें फैलता हुआ दिखाई देता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नोटेबली ही सेंट हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका। और इतना ही नहीं, इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म के प्रति इतने चिंतित हो गए थे, दिखाई दे रहे हैं अशोक छत पे खड़े हुए सोच रहे हैं और क्या करना चाहिए, तो इन्होंने अपने बच्चों को भी इस सेवा में लगा दिया और अपने बेटे और अपनी बेटी को सिलोन यानी श्रीलंका भेजा कि जाओ जाकर बौद्ध धर्म का फैलाव करके आओ। मोस्ट ऑफ हिज एडिक्ट वर रिटन इन पाली एंड प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये बहुत अच्छी चीज थी अशोका की, मैं भी बताऊंगी, क्योंकि ये बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर थे तो इनके अंदर महात्मा बुद्ध की कुछ क्वालिटीज होंगी, नहीं है तो ये उसको अडॉप्ट करेंगे। तो महात्मा बुद्ध जी जब इस धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, जब वो अपने थॉट बताते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादातर लोगों से मैं कैसे कनेक्ट हूँ या ज़्यादातर लोगों तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए। तो लोगों की जो आम भाषा थी या फिर उस समय के जो लोग थे जिनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में की जाती थी वो थी पाली, कॉमन लैंग्वेज वही थी। संस्कृत बड़े लोगों को आती थी, ब्राह्मणों को आती थी, तो उन्होंने मैक्सिमम मास को कवर करने के लिए पाली को, पाली लैंग्वेज में ही सारे उपदेश दिए, तो लोग ज़्यादा उनसे कनेक्ट होते गए। मतलब लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मीडियम है ना किसी से कनेक्ट होने का। मैं यहाँ पर आपसे कोई और लैंग्वेज में आपको आता नहीं होगा तो कैसे हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। तो इन्होंने जितने भी अपने एडिक्स भिजवाए थे अलग अलग जगह पर जो लिखा था, तो मैक्सिमम पार्ट तो यही था ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये नदन वाला पार्ट, और यहाँ की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो पाली प्राकृत हुआ करती थी। तो नदन इंडिया वाले पार्ट में जितने भी इनके एडिक्ट दिखाई देते हैं वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में, और स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा हिंदी है, इसको बोलोगे आप भाषा, और लिपि क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप बोलते हैं स्क्रिप्ट, और ये कौन सी लिपि है, देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही अशोका के एडिक्ट जो है वो हमें पाली प्राकृत भाषा में और लिखे हुए किस में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए दिखाई देते हैं, और इसको पढ़ा जाता है काफी लेट, आई थिंक 1921 में जेम्स प्रिंसप ने पहली बार इसे पढ़ा था। वही अशोका के अगर हम नॉर्थ वेस्ट के एडिक्ट को देखते हैं तो वो हमें अलग स्क्रिप्ट में दिखाई देते हैं, जैसे खरोस्टी हो गया, अरामाइक हो गया। उसका रीजन क्या था, अशोक बहुत स्मार्ट था, वो जानता था लोगों से कैसे कनेक्ट होना, और आपको पता है इस वाले रीजन में काफी सारे यूनानी और ईरानी लोग रह चुके थे, है ना। अलेक्जेंडर आया था तो यहाँ पर किसका, यूनानियों का प्रभाव था, अलेक्जेंडर के पहले कुछ ईरानी आकर यहाँ पर गए थे,
तो ईरानी और यूनानियों के प्रभाव के कारण यहाँ पे काफ़ी सारी उनकी पॉपुलेशन थी, तो वो उन्हीं की स्क्रिप्ट में उन तक बात पहुँचाना चाहते थे, क्योंकि अभी इस पूरे रीजन पर अशोका का कंट्रोल था। तो जितने भी एडिक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गए, वहाँ के स्क्रिप्ट खरोस्टी अरामाइक, नदन पार्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और कौन सी लैंग्वेज थी, पाली और प्राकृत लैंग्वेज थी। देयर आर सम एडिक्ट रिटन इन ग्रीक एज वेल, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि काफ़ी सारे एडिक्ट जो थे वो दूसरी लैंग्वेज में भी लिखे थे। द लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पिलर, जब भी अशोका अपने इस तरह के पिलर्स, बेसिकली ये जो पिलर था ना अशोका का, बड़ा कॉमन टाइप का था, ज़्यादातर आपको ऐसा ही दिखाई देता होगा। आर्ट एंड कल्चर जब मैं पढ़ाऊंगी वहाँ पर आपको अशोका के इन रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। और आज जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, अशोका के इन रॉक एडिक्ट से। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है पिलर, इस पर काफ़ी कुछ लिखा होता था, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस पर डिपेंड करता था कि वो पिलर कहाँ जाने वाला है। नदन इंडिया में है तो उसका अलग स्क्रिप्ट होगा, नॉर्थ वेस्टर्न है तो अलग, वेस्टर्न है तो अलग, तो पूरी तरह से वो लोकेशन पर डिपेंड था। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, जब इतना अच्छा चल रहा था अशोक का एम्पायर, धम्म की नीतियाँ दे रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि अशोक के जाने के तुरंत बाद मौर्यन एम्पायर टूट कर बिखर गया। और सबसे पहले मौर्यन एम्पायर दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, समझ में आ गया। तो जब इतने अच्छे से अशोक मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो ये तो आगे कंटिन्यू होना चाहिए ना, लेकिन कुछ तो लूप होल था और सिर्फ बाहर बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही अशोक मरा तुरंत ये टूट गया और दो पार्ट्स में टूटा नॉर्थ वेस्टर्न एम्पायर जो था अशोक का। इसके बाद जितने भी रूलर्स आएंगे वो बहुत वीक सक्सेसर थे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सबसे पहले अलग हुआ और इस पर फॉरेन इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशान हो गए। और ये जो हमारा नदन वाला पार्ट है इसमें नेटिव सक्सेसर्स ने रूल किया, यानी देश के ही कुछ मूल उत्तराधिकारी सामने आए अलग अलग वंश के, जिसमें हमें शुंग, कण्व, सातवाहन वन बाय वन दिखाई देते हैं। तो अब हम ये लूप होल पर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था कि इतने अच्छी चीज़ें होने के बाद भी अशोका का एम्पायर आगे चल के टूट जाता। पहला रीज़न, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, अब ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, बेसिकली था क्या, आपने देखा कि अशोक के टाइम में किस तरह से बुद्धिज्म राइज करता है ना, और जो ब्राह्मण्स थे ना वो वैदिक टाइम पीरियड में तो बहुत हिट हुए थे, उसके बाद से बुद्धिज्म आया था, जब तब भी जब हमें मगध एम्पायर दिखाई देता है तब भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो रिलीजन है वो चल रहा था, लेकिन अशोका के टाइम में तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि सफाया हो गया उनका। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा था उससे खफा थे, और जितने भी ब्राह्मण थे वो अशोक के या उसके रूल के अगेंस्ट हो चुके थे, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा रूलर आए जो कि इस रिलीजन को प्रोटेक्ट करे, पेट्रोन करे। तो एक ये भी रीज़न था, तो कई सारे ब्राह्मण जो है वो इनके एम्पायर के अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अशोका अडॉप्टेड द टॉलरेंट पॉलिसी एंड आस्क्ड पीपल टू रिस्पेक्ट इवन ब्राह्मण्स, ही प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड सपोर्टेड वुमेन टू परफॉर्म रिचुअल्स। अब देखो ब्राह्मणिज्म जो था ना उससे लोग क्यों बुद्धिज्म की तरफ मूव कर रहे थे, उसमें कुछ कर्म कांडीय स्वभाव था, बेसिकली बहुत सारे रिचुअल्स थे यहाँ पर बता रहा है, और जो बुद्धिज्म था वो इन सब के अगेंस्ट था, और क्योंकि अशोक भी बुद्धिज्म का फॉलोअर था तो वो भी ये मना कर रहा था। जो ब्राह्मण करने को बोल रहे हैं अशोका उसको मना कर रहा है क्योंकि वो बुद्धिज्म का फॉलोअर है। अब ऐसे सिचुएशन में ये बोलेगा कि अरे ये तो गलत कर रहा है, ये तो हमारे सारे रिचुअल्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये इसके अगेंस्ट हो जाएगा ना, इसका दुश्मन हो जाएगा ना। क्या क्या था, तो पहले बोल रहा है यहाँ पर कि अशोक ने बोला कि भाई सारे रिलीजन मेरे लिए इक्वल है, मैं किसी में भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानवरों और पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी, और कुछ हमारे ऐसे वैदिक रिचुअल्स थे जिसमें बलि दी जाती थी जानवरों की, वो वहाँ से रुकने की बात हमें सामने आते हुए दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति मौर्यन एम्पायर में काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दी और इक्वल स्टेटस दिया गया महिलाओं को, बोला गया कि जो भी रिचुअल्स होते हैं उनमें वो अपने हस्बैंड के साथ इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती है, जैसे यज्ञ है, हवन है या कुछ भी है। ये ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो वैदिक कल्चर था ना अर्ली वैदिक में तो सब इक्वल था, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जो वुमेन्स थी इनकी सिचुएशन गिरते हुए नजर आई, काफ़ी लंबे समय तक गिरती चली गई, लेकिन वापस यहाँ पे रिवाइवल हुआ वुमेन्स की सिचुएशन में, और हमें दिखाई दिया जब वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया तो वो कहीं ना कहीं इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो ये मिले जुले कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से ब्राह्मण्स इनके अगेंस्ट हो चुके थे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या रीज़न था कि अशोका का एम्पायर डिक्लाइन हो गया उनके तुरंत बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट।
इनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी एंड पेमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। भाई इतना बड़ा आपने साम्राज्य क्रिएट करा है, तो इस साम्राज्य को बचाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होंगे। भले अलग अलग राज्य बनाएंगे, उन सब राज्यों पे गवर्नर होंगे, उनके लिए सेना होगी। आपको रोज लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन सेना तो रखोगे। आज भारत लड़ाई करने नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी जो आर्मी है, जो हमारे वेपन्स हैं, हम उस पर कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर हैं अपने आप को मजबूत। तो ऐसा ही यहाँ पर बोल रहा है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है अशोका के टाइम पीरियड में सेना पर और नौकरशाही पे। डिस्पाइट ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस, डिफिकल्ट टू मेंटेन द किंगडम। और जितने भी उस समय टैक्स वसूल करती थी गवर्नमेंट, वो कम हो जा रहे थे इन खर्चों को पूरा करने के लिए। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, अब देखोगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एम्पायर पर, और एम्पायर टूटने के कगार पे आ जाएगा। अशोका मेड लार्ज ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इतना ही नहीं, अशोका अपने खर्चे भी दिन पे दिन बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि वो बौद्ध रिलीजन को संरक्षण दे रहा था। तो काफ़ी सारे सन्यासियों को, बौद्ध सन्यासियों को बड़े बड़े दान देता था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल टूर पर भेज रहे हैं, जाओ बौद्ध धर्म का फैलाव करो। तो उस पर भी खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर द इवन मेल्टेड गॉड्स इमेजेस। और लास्ट में मौर्यंस की इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि इनके पास में पैसा नहीं होता है, तो जो गॉड के जो भी इमेजेस होती है, प्रतिमा होती है सोने चांदी, उसको मेल्ट करके उसका यूज किया जा रहा था अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने में। तो जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा भाई, तुरंत ही एम्पायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अशोकास पॉलिसी, मतलब आप सेना नहीं रख पाओगे, आपके पास पैसा नहीं है, सेना छोड़ छोड़ के जाने लग जाएगी, फिर क्या होगा, जब सेना टूटेगी, एडमिनिस्ट्रेट इधर उधर जाएंगे, एम्पायर वीक हो जाएगा, कोई और आप पे अटैक करेगा, कंट्रोल कर लेगा, ये सारी चीज़ें। तो एक पूरा साइकिल है जो आगे चलता जाता है। अशोकास पॉलिसी, अशोक की नीति। सम स्कॉलर सजेस्टेड दैट अशोकास पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म लेड टू द वीकनिंग ऑफ एम्पायर। कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि अशोक जो बार बार बोल रहा था कि भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें युद्ध नहीं लड़ना है, तो ये लोगों के जो आसपास के किंगडम्स थे दूसरे रूलर के, पड़ोसी, हमारे पड़ोसी देश, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहा था कि भाई अशोका अब लड़ाई लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और जब लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में, जब लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई ये आर्मी पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपने वेपन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम ही इस पर अटैक करके इस पर कंट्रोल कर ले। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है अशोकास पॉलिसी में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला आसपास के किंगडम्स पर, कि भाई आप जो है इन पर इजीली अटैक कर सकते हैं। सिंस ही स्टॉप्ड वेजिंग वॉर्स, फॉरेन पावर्स वर वंस अगेन टेम्प्टेड टू अटैक द किंगडम। जैसे इसने बोला कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं वॉर नहीं लड़ूंगा, इसका सीधा इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये होता है कि आसपास के लोगों को मौका मिल गया कि चलो वो नहीं अटैक करेगा ना, हम अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने अटैक करने का जो है वो, ऑल्सो ही गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड एफर्ट टू द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म। और साथ में हमें दिखाई दिया कि ये बौद्ध धर्म पर ही फोकस कर रहा था, इसका और कोई एजेंडा बचा नहीं था, ना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ना अपनी वेपन को अच्छा करना, ना अपनी आर्मी को अच्छा करना। तो भाई इसने दूसरे देश के लोगों के मन में विचार लाए कि ओहो चलो हम इस पर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते हैं, वो वैसे भी बौद्ध धर्म के फैलाव में लगा है। और इस तरह से देखो कई सारे दूसरे देश के लोग जो है वो अटैक करेंगे, चाहे हम बात करें उसमें इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियन हो गए। तो इसके बाद से हमें फॉरेन इन्वेजन दिखाई दिए, विदेशी आक्रमण ने अशोक के एम्पायर को बहुत कमजोर कर दिया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ फर्स्ट थ्री मौर्यन किंग, फॉरेन पावर्स डिड नॉट ट्राई टू अटैक इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एज देयर वॉज अ फियर ऑफ माइटी मौर्यन आर्मी। तो बोल रहे हैं कि इनिशियली जो भी तीन रूलर्स थे, उस समय किसी भी फॉरेन रूलर ने कोशिश नहीं की इंडिया पे अटैक करने की। उसका रीजन था बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत पावरफुल थे, कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। लेकिन ये जो अशोकास की पॉलिसी थी और जो चीज़ें चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, अब वो थोड़े से निडर हो चुके थे और कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं आए, सारे वीक सक्सेसर आएंगे अशोक के बाद में। तो उन्होंने वन बाय वन अटैक किया। और जब लगातार अटैक होगा ना, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब रोज किसी रास्ते से कोई आक्रमण कर रहा है, तो व्यापार पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वाणिज्य पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे, तो और इकोनॉमी डाउन होते जाएगी। और फिर जैसे ही वीकनिंग होगी, तुरंत वहाँ पे कोई कंट्रोल कर लेगा। आफ्टर अशोकास डेथ द किंगडम स्प्लिट इनटू टू दीज लेड टू द अटैक ऑफ ग्रीक किंग ऑन इंडिया बट वॉज अनसक्सेसफुल। बोल रहे जैसे ही अशोक का डेथ हुआ, पूरा का पूरा जो हमारा मौर्यन किंगडम है वो दो पार्ट्स में
टूट जाता है और इसकी वजह से बहुत ही इजी रहा इंडिया पर टारगेट करना फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। हालांकि पहले जो इन्वेड हुए थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लग जाएंगे। द पार्टीशन ऑफ एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का किस तरह से विभाजन होता है अशोक के बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर स्प्लिट इंटू टू हाफ्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अशोक की डेथ के बाद ही मौर्यन एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाते हैं मौर्यन रूलर, और ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे विदेशियों का अटैक होगा और यहाँ पे देसी जो भी रूलर्स होंगे उनका हमें अटैक होते हुए दिखाई देता है। ओके, लास्ट मौर्यन बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन किंग था उसका नाम था बृहद्रथ, वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग। और जो लास्ट मौर्यन किंग था उसका नाम था बृहद्रथ, वो यहाँ पर था। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर टूट चुका था, यहाँ पर बृहद्रथ रूल कर रहा था और बृहद्रथ को पराजित करके पाटलिपुत्र पर एक नेटिव सक्सेसर कंट्रोल करेगा जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। ओके, एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुंग डायनेस्टी, जो कि ब्राह्मण से संबंधित थे। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने डिस्कस किया अशोका द ग्रेट किंग के बारे में, सबसे पहले उनके थोड़ी सी अर्ली लाइफ डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कलिंगा वॉर के बारे में देखा, और उसके बाद से क्या ऐसा रीजन था जो अशोका की इतनी अच्छी पॉलिसीज थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद भी मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन के सारे रीजंस पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो किसी भी एक रीजन की वजह से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे मिलेजुला रीजन का फिर एक कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो किसी भी एक रीजन की वजह से आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद से MCQs भी करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और वो MCQ कहाँ मिलेगा? इस एम्बाइब के ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐप पर जाइए डिफेंस कैटेगरी में, वहां जाके आपको MCQs करें मौर्यन एम्पायर के, लिंक दे रखा है, अभी तुरंत ये काम करेंगे आप लोग। और बाकी एम्बाइब का टेलीग्राम ग्रुप है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्लास के बाद की PDF आपको यही मिलेगी। वहां से जाके 2-3 बार बिल्कुल रिवाइज कर डालो, रट डालो। कल मिलूंगे मैं वापस हमारे नए टॉपिक के साथ, जो हमारा नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली यही है मौर्यन का पार्ट 3 एडमिनिस्ट्रेशन। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए, कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो लाइक, वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, कीप एम्बाइबिंग। थैंक यू। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।